थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटावा की रैली में मंदिर के बहाने विपक्ष पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तक ठुकरा दिया। बार बार हर बार चुनाव में प्रधानमंत्री ये मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं पर भी हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो झारखंड में हो, हर जगह राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है। ये बताने और समझाने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आया, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो इस बात का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अयोध्या में शाम 7 बजे पूजा अर्चना करने वाले हैं। 2 किलोमीटर का लंबा और भव्य रोड शो होने वाला है और यहां पर भी प्रधानमंत्री हो सकता है इन बातों को दिखाएं और समझाएं कि देखिए कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा तक में आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया, पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों,